डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक सेलो टेप नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करूँ कि इस सेलो टेप का हम स्टडी में किस तरह यूज़ करेंगे, तो आप तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कहीं इस तरह अगर फट जाए या पेज कहीं फट जाए तो उसको चिपकाने के काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉर्मल सा जो सेलो टेप है ये मार्केट में केवल 5 रुपये का मिलता है, लेकिन इस 5 रुपये के सेलो टेप से हम स्टडी में क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आप रजिस्टर आपको नज़र आ रहा है, इस रजिस्टर में इस स्टूडेंट की अगर आप हैंड राइटिंग देखें तो आपको काफ़ी सुंदर नज़र आती है या नज़र आ रही है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाए तो हम क्या करते हैं, इरेजर का यूज़ करते हैं। और इरेजर का यूज़ करने पर क्या होता है कि कभी कभी वो पेज ही फट जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको जो है इस सेलो टेप का यूज़ करके यहाँ पर लिखे हुए जो मिनी होते हैं उनको किस तरह से डिसअपेयर करते हैं, किस तरह से गायब करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर नाम लिखा है मेरे सामने अमन मौर्या, और साथ में उसके साइन है यहाँ पर। अब मान लो कि मुझे इसको गायब करना है, और गायब करके मुझे यहाँ पर ये राजेश कुमार लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये मेरे साथ मेरे पास ये सेलो टेप है, मैं सेलो टेप को देखना जरा ध्यान से, ये मैंने इसको ओपन किया, इसको खोला, फिर धीरे से मैं यहाँ पर इसको ऐसे रखूँगा, यहाँ पर मैंने ऐसे रखा, ये देखिए पूरे पर ऐसे हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है आपको, प्रेस किया आपने, इसके बाद अब देखो ये देखिए यहाँ पर आपने देखा वन टाइम में, ये देखिए मेरे पास इतना ये बाहर निकल कर आ गया। इसी तरह से अगर मैं एक बार इसको और करूँ, ये देखिए यहाँ पर धीरे से प्रेस कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर, और यहाँ से ये देखिए यानी सेकेंड टाइम में फिर थोड़ा सा निकल गया ये। अब उसके जस्ट बाद आप देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ से गायब हो रहा है ये। अब अगर मैं एक बार और करूँ ये देखिए, तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से ये मैंने किया, ध्यान रखना है आपको, बोल बिल्कुल धीरे से आपको इसको प्रेस करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप इसको इस तरह से कर दीजिए, ये कर दिया आपने, अब आप देख सकते हो यहाँ से ये गायब हो चुका है। अब इसको स्मूथ करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई सा भी पेज लेकर के आप इसको स्मूथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना। जैसे ये देखो ये पेज लेकर के मैं इसको स्मूथ कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हल्का सा ये ऐसे से कर दीजिए, ये स्मूथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है अमन मौर्या, और यहाँ पर आप राजेश कुमार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख के बताता हूँ, राजेश कुमार, ये देखिए यहाँ पर RAJESH, ये देखिए राजेश कुमार, ये डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर राजेश कुमार लिख दिया। देखा आपने कि किस तरह से मैंने इस सेलो टेप का यूज़ करके उसको गायब कर दिया। जो गायब किया वो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक बार फिर से देखिए इसी तरह से, मान लो मेरे सामने यहाँ पर ये क्लास 12th लिखा है और मुझे लिखना है क्लास 11th, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है यहाँ से एक ये वाला हटाना है पोर्शन, तो देखिए यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको हल्का सा फिर से ये सेलो टेप खोला मैंने, हल्का सा मैंने यहाँ पर प्रेस किया इसको यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से मैंने गायब कर दिया। देखो गायब हो गया, एक बार फिर से देखिए वंस मोर, देखो ये यहाँ पर आ चुका है सेलो टेप के अंदर, वंस मोर एक बार फिर से देखिए, तो पूरी तरह से यहाँ से ये इरेज हो जाएगा, हट जाएगा, ये देखिए ये हट गया। एक बार थोड़ा सा हल्का सा और कर लेते हैं, है ना, ताकि बिल्कुल क्लीन हो जाए, ये देखिए यहाँ से, ठीक है ये हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 11th लिखना है आपको डियर, ये देखिए आप 11th लिख दीजिए, ये आपने 11th लिख दिया, हो गया। इसी तरह से मान लो आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन लिखना क्या था आपको, लिखना था प्रेशर, लिख दिया टेम्परेचर, तो भाई अब उसको ऐसे ऐसे काटोगे तो कितना बेकार लगेगा रजिस्टर, बेकार लगेगा आपको। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं रजिस्टर ही से ही पेज फाड़ देते हैं, वो फाड़ करके लड्डू बना के फेंक देते हैं, है ना, देखा होगा। ठीक है, या फिर हम में से कोई भी लोग, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, नोट्स बनाते हैं और कोई मिस्टेक हो जाती है तो मूड जो है ऑफ हो जाता है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, बड़े सिंपल तरीके से आपको उसको यूज़ करना
आ जाएगा, तो ये सारी मिस्टेक आपसे जो है सॉल्व हो जाएंगे। देखिए मैं आपको यूज़ करना बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने सेरो टेप रखा, मुझे इस टेम्परेचर को गायब करना है, यहाँ से इसको रखा, हल्का सा मैं इसको प्रेस कर दिया, ये देखिए अब धीरे धीरे ये गायब होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए गायब हुआ हुआ ना डियर। एक बार फिर से देखिए, वंस मोर, यहाँ से फिर मैंने सेलो टेप को रखा ऐसे, ये देखिए यहाँ से, और धीरे धीरे मैं गायब करूँगा, ये देखिए ये गायब हुआ, फिर से देखिए वंस मोर, इस तरह से रखा मैंने यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर धीरे धीरे इसको गायब करूँगा मैं, ये देखिए ये मैंने गायब कर दिया। अब यहाँ पर और थोड़ा सा बचा है तो इसको और निकाल देते हैं, ये देखिए निकल गया, और यहाँ पर और थोड़ा सा बचा है तो और निकाल दो, नो प्रॉब्लम, ये देखिए। अब आपको प्रेशर लिखना है तो अब आपको प्रेशर लिखना आ जाएगा काफ़ी हद तक, अब आप लिख सकते हैं प्रेशर, ये देखिए आपने यहाँ पर ये प्रेशर लिख दिया। और एक और आखिरी एग्जांपल देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो यहाँ पर ये अजय लिखा हुआ हो, आपको संजय लिखना हो, तो इस अजय को गायब करना जरूरी है, तो चलो मैं इस अजय को गायब करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपने सेलो टेप खोला, ये देखिए डियर सेलो टेप खोला आपने, आप यहाँ पर अजय की जगह पर इसको प्रेस कर दो ऐसे, प्रेस करने के बाद ये देखिए ये अजय जो है अब आपको यहाँ सेलो टेप में दिखाई दे रहा है, चिपक गया अजय यहाँ पर, है ना। एक बार फिर से देखिए, थोड़े बहुत अजय बचे हैं यहाँ पर, तो अभी सेलो टेप में आज चिपक जाएंगे, है ना, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये देखो थोड़ा सा फिर से चिपक गया अजय भाई। फिर यहाँ से और एक बार और कर लेते हैं, है ना, ये देखिए यहाँ से इस तरह से, और ये देखो फिर से थोड़ा सा चिपक गया, थोड़ा बहुत और बचा है तो बस वंस मोर और डिसअपेयर गायब, ये देखिए ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह पर आपको संजय लिखना है, तो बड़े प्यार से लिख दीजिए, ये देखिए ये संजय, ये आपने संजय लिख दिया, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, और ये जो सेलो टेप है इसका यूज़ भी समझ में आया होगा। लेकिन आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज़ इस सेलो टेप का यूज़ करना, मिस यूज़ मत करना, ठीक है। सिर्फ स्टडी में ही आप जब हम नोट्स बनाते हैं उसमें, ठीक है, या फिर रजिस्टर को अच्छा करने के लिए, नोट्स को अच्छा करने के लिए ही इसका यूज़ करिए। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, प्लीज़ इसको जो है यूज़ करें आप, है ना, इस सेलो टेप का यूज़ मिस यूज़ करने के लिए ना करें, ठीक है। थैंक यू।